होल्ड करना भाई, एक बार सीट होल्ड कर लेना। 85 पे है, कम है। अरे उतार दिया नीचे लगा हुआ है। हाय एवरीवन, टुडे आई एम ड्राइविंग फर्स्ट टाइम i20। i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट है और 2021 का पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के अंदर है। गाड़ी के ओनर अंदर है, बात करूंगा। उससे पहले गाड़ी की कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया 2021 दिवाली के अराउंड ओनर ने गाड़ी ली थी। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल कापा इंजन है। पावर फिगर्स जो हैं गाड़ी की 82 BHP निकालती है और जो टॉर्क फिगर्स है, जो गाड़ी खींचती जाती है, जो गाड़ी को खींचने की ताकत है गाड़ी में, वो है 113 और 15 न्यूटन मीटर। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm और बूट स्पेस की बात करेंगे 311 liters। तो ये इसका बूट स्पेस है और दो पार्किंग सेंसर हैं गाड़ी के अंदर विद पार्सल ट्रे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 37 liters और ये इस टाइप का है कि गाड़ी अगर अनलॉक रहेगी तो ऐसे आप इसे खोल सकते हो। और जो गाड़ी का टायर सेक्शन है, दैट इज़ 195/55R16 16 inches के गाड़ी में टायर है एंड ओनली फ्रंट डिस्क ब्रेक्स के अंदर है। चलो अब गाड़ी को चला के देखते हैं। एंड ऐसी कुछ है गाड़ी, साइड से देखें, चले चलो। तो इस i20 के ओनर हैं शैली ओस्टा। हाय शैली। हाय पंकज। तो ये ओनर है, थोड़ा बहुत मैं इनका फीडबैक लूँगा, काफ़ी हद तक मेरा रहेगा क्योंकि जैसा आप लोग प्रेफर करते हो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस गाड़ियों के ऊपर, बट जो बेसिक फीडबैक रहेगा वो मैं इनसे लूँगा। जैसे आप बताएंगे कि आपने गाड़ी एग्जैक्ट किस डेट को, विच मंथ, ये तो मैंने बता दिया 2021 में ली है, लेकिन कौन सी डेट को ली थी? सितंबर में लिया था। सितंबर में। एंड सी हैज ड्रिवन इट अराउंड 5200 किलोमीटर्स। तो मेरे ख्याल से आपकी एक सर्विस हो चुकी है। हाँ जी। और वो तो ऑब्वियसली आपको फ्री पड़ी होगी क्योंकि फ्री रहती है। तो जैसे आपने आपने सीखा नहीं था गाड़ी पहले, जैसे हमारी बात हुई थी कि आपने गाड़ी उसके बाद सीखी है जी। तो फिर i20 कैसे? मुझे अपने बजट में चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। विद फीचर्स मेरे लिए स्क्रीन वाज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज़ जीपीएस की वजह से, राइट। बाकी मैंने जो भी ऑप्शंस देखे थे, बजट ओवर बजट जा रहा था, दैट वाज 10.5 कार। तो ये कितना पड़ी आपको? दिस ये मेरे को पड़ा 8.6 का। 8.6 ऑन रोड। ऑन रोड सारी एसेसरीज जितने भी है गाड़ी के, जितने भी लग के, ठीक है। 20,000 फ्री एक्सेसरी मिली थी मेरे को, 20,000 की। 30,000 मुझे कैश डिस्काउंट मिला था। ओके। तो 8 कितना बताया? 3.6। ओके। तो ये आपको ऑन रोड पड़ी थी। तो गाड़ी का सबसे बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट दैट यू थिंक क्या है? स्मूथ है, गियर बॉक्स स्मूथ है, साइलेंट है, इंजन साइलेंट है काफी। ओके। पिकअप थोड़ा सा कम है बिकॉज़ आई गेस 1200 cc है, इसलिए आई डोंट नो। अच्छा, इसमें मैं, अच्छा डोंट माइंड, मैं एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा। जैसे आपने ड्राइविंग अभी सीखी है, तो आपने ऑब्वियसली उससे पहले गाड़ियां नहीं चला रखी थी, और सो बट बहुत कम चलाई थी। ओके। हां जी। सो व्हाट मेड यू थिंक कि इसकी पावर कम है? क्योंकि ये जो कंपैरिजन हम तभी देते हैं व्हेन वी हैव ड्रिवन अदर कार्स टू। मेरी भाई की मैंने चलाई है सिटी, दैट हैज अ बेटर पिकअप। ओके, सिटी चलाई थी। हाँ, ऑब्वियसली सिटी के कंपैरिजन में इसका काफ़ी कम होगा। हाँ, बट एंड द नेगेटिव पॉइंट कि सबसे ज़्यादा खटकता है आपको वो चीज़ इस गाड़ी के अंदर? नहीं, खटकता नहीं है बिल्कुल। देखा जाए तो इट्स अ गुड सिटी कार। अदरवाइज मुझे सस्पेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है गाड़ी जब जब भी खट्टे आते हैं। अच्छा। हाँ जी। आप हाई स्पीड में तो नहीं निकालते हो गड्ढों में? धीरे भी निकालती हूँ तो भी वो उतना स्टेबल नहीं है, वो काफी हिलता है। अच्छा, काफी हिलता है, जो स्मूथ सस्पेंशन नहीं कह सकते आप, है ना? ओके। बाकी सीट हाइट एडजस्टमेंट का आपको इसमें फायदा मिलता है? बहुत, बहुत। सीट हाइट एडजस्टमेंट है, सारे फीचर्स आई गेस परफेक्ट है। ओके। तो अब हाँ हाँ, नॉर्मली जब तक वर्क फ्रॉम होम है तब तक 16 इज ओके। चलो, तो बाद का प्लान है, वो तो हम वैसे ही बात कर रहे हैं। एक बार ये ग्रीन हो जाए देन विल मूव फॉरवर्ड एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस जो अभी तक मैंने नोटिस किया है। गियर्स बहुत स्मूथ है, गियर्स बॉक्स स्मूथ है ना? ये रियली
चलो अब मैं बताता हूँ, जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना तो बहुत ही स्पेसियस लगती है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, जिसकी बलिनो एक राइवल है और एक दो गाड़ियाँ और है, लेकिन जो मेजर कॉम्पिटिटर है वो दो गाड़ियाँ हैं। अब बलिनो मैंने चलाई हुई है, उसकी ज़्यादा बात इसमें नहीं करेंगे, छोटे बहुत जो कंपैरिजन जो मैं नोटिस करूँगा वो मैं बता सकता हूँ, बट वी विल मेजरली आई टॉक अबाउट i20 ओनली। बहुत स्पेसियस है, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड एकदम फ्लैट है तो इसका फ़ायदा जो सामने की जो विजिबिलिटी है वो बहुत सही अच्छी खासी मिलती है, लेकिन ऑब्वियसली प्रीमियम हैचबैक में आपको बोनेट, प्रीमियम क्या हैचबैक में आपको बोनेट नहीं दिखता है, वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इट्स नॉट इट्स नेगेटिव साइड, ठीक है। वो इन गाड़ियों में होता है कि सेडान और इनमें आपको नहीं दिखाई देगा। अगली चीज़, स्टेयरिंग इज अल्ट्रा स्मूथ, ये तो ह्यूंडे के मान लो ये कह सकते कि पहचान भी है। पहला इंजन रिफाइनमेंट, सेकंड स्टेयरिंग रिस्पॉन्स, स्टेयरिंग फीडबैक बहुत लाइट होते हैं इनके और बहुत ही रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो वो जो पहचान है वो लगे से इस गाड़ी में भी कंटिन्यू करी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगली चीज़ क्या एक ड्राइवर नोटिस करेगा, गियरबॉक्स बहुत ही स्मूथ है। शैली को भी काफ़ी पसंद है इसके गियरबॉक्स, ना ही कोई आवाज़ है, ना ही ऐसा कि फर्स्ट टू सेकेंड जो शिफ्टिंग होती है वो टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, शिफ्टिंग बहुत इजी है। गियर हो गया, कोई वाइब्रेशन नहीं है, ओके। चलो एक बार फर्स्ट में पिक करके देखता हूँ, जैसे मैं दूसरी गाड़ियों को भी देखता हूँ कि फर्स्ट में थोड़े बहुत वाइब्रेशन गियर स्टिक हिलती है नहीं हिलती। पता है इस गाड़ी के ब्रेक्स ऐसे हैं कि अपने आप शिफ्ट नहीं लेते, काफ़ी गियरबॉक्स जो बहुत स्मूथ होते हैं अपने आप शिफ्ट लेते हैं फर्स्ट टू सेकेंड, तो आपको ज़्यादा जो पुश है ना वो नहीं करना पड़ता, ये चीज़ इसमें अच्छी है। और 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है। स्टीयरिंग मुझे बहुत पसंद आते हैं हुंडई के, टेक राइट। थोड़ी बहुत हवा की आवाज है, बाकी ना ही इंजन है ना ही रोड नॉइज है, तो इस गाड़ी के एनवीएच बहुत ही अच्छे हैं। रेस पैडल यार बहुत स्मूथ है सच में। And what do you think about brakes? Brakes ना जब मैं बहुत तेज कार चला रही होती हूँ। बहुत तेज कितना? Like 80 to 85। Okay। तो और फिर भी अगर ब्रेक लगाए ना तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लड़ रहा है। वो ABS का होता है, वो हर गाड़ी में आता है, ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आता है, और वो क्या होता है कि डिस्क पैड रोटर को बार बार व्हील मान लो उसको पकड़ते छोड़ दे तो वो आवाज उसकी होती है। एंड ये कोई डिफेक्ट नहीं होता है, ये नॉर्मल है। वो जैसे ऐसा आपको ऐसा लगता होगा कुछ रगड़ने की आवाज आ रही है, हाँ, बिल्कुल वो ब्रेक्स की होती है। और जो बाकी कुछ गाड़ियों से ब्रेक से आवाज नहीं आती है, ब्रेक से मतलब जैसे पैडल हिट करते हैं तो जो पैडल खाली पैडल से जो आवाज आती है वो इसमें नहीं है। मैंने जैसे अभी किस में देखी थी XUV300, जैसे पंप, जैसे हवा का जो पंप दबाते हैं वैसे ही जो सू सू की आवाज वो होती है, वो नहीं आती। हाँ वो इसमें कोई भी रेस क्लच ठीक है खड़े है। अच्छा आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो रही हैं? हाँ जी। What was your major requirement? आपको आपने बताया? Okay, क्योंकि मुझे रिवर्स करने में नो डाउट प्रॉब्लम आती है। तो कैमरा बहुत हेल्प करता है, प्लस यू हैव द GPS, यू कैन कनेक्ट योर कार, वाईफाई कनेक्ट है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार है, प्लस लेग स्पेस इज गुड, ठीक है, हाइट एडजस्टमेंट है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी हाइट कम है तो आई कैन इजीली एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू माय हार्ट। स्टीयरिंग ऊपर नीचे जाती है, आगे पीछे जाती है। ओके, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो, टेलीस्कोपिक टिल्ट जो दोनों हाँ करते हो। यहाँ भी काफी स्पेसियस है, हाँ, ये ऐसे मैंने आपको नहीं, यहाँ का जैसे एरिया है, हाँ, डैशबोर्ड का जो विंड, हाँ, विंडशील्ड है वो भी काफी चौड़ी है, तो मतलब ऐसा कोई दिखने में वो नहीं होता जैसे कुछ है, अगर ये हाँ वो आप रख सकते हो, आवाज तो करेंगे, लेकिन अगर आप पॉली बैग में रखोगे तो नहीं करेंगे, वैसे तो बजता रहेगा। जैसे कुछ एक गाड़ियाँ हैं सब कॉम्पैक्ट SUV है, उनमें भी इतना विजिबिलिटी नहीं मिलती है जितना कि इस गाड़ी में, तो काफ़ी सारी चीज़ें, प्लास्टिक हार्ड है, कोई आवाज़ मुझे तो अभी तक, जैसे मैंने ज़्यादा ख़राब रास्तों में गाड़ी चलाई नहीं है, बट जितना भी चलाई है यार ये काफ़ी रीच में सही है ना, आप इसको एल्वो जो आप रेस्ट भी करवा सकते हो। मेरे लिए ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए, बिकॉज मैं ना थोड़ा आगे करके चलाती हूँ तो मेरे एल्बो, ओके, हाँ ये स्लाइडिंग फीचर नहीं है इसके अंदर, ये स्लाइडिंग नहीं है, स्पेस ठीक है, बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं है इस वेरिएंट के अंदर, नहीं वो इसके अंदर नहीं है। आई थिंक इट्स 8-inch स्क्रीन, कंट्रोल भी नहीं है इसमें। अच्छा आप डू यू मिस क्रूज कंट्रोल, आप जाते हो कभी ऐसे? आई एक्चुअली डोंट, मुझे इतना ज्यादा हाईवे की जरूरत पड़ती नहीं है। नहीं फिर क्रूज का कोई फायदा नहीं है। एक चीज और, अगर आप बहुत स्पीड में भी चलाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप इतने स्पीड में हो।
अच्छा क्योंकि पता है वो क्यों नहीं फील होता, क्योंकि गाड़ी के अंदर साउंड ही नहीं आती है. Exactly. अभी भी जैसे गाड़ी अगर खड़ी है तो कोई साउंड नहीं है, हल्का हल्का आपको स्टेयरिंग अगर होल्ड करोगे तो फील होता है, नॉइज वाइब्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि गाड़ी में एसी सब चले हुए हैं. स्टेबल तो है ज्यादा, मैं 93 पे, अभी 93 पे है गाड़ी है ना, पता नहीं हाँ काफी जल्दी अचीव कर लेती है. और ना ही जो प्रॉपर थ्रॉटल कर रहा हूँ ना फर्स्ट सेकंड गियर में, वो भी साउंड इतनी अंदर नहीं आती है जी. काफी रिफाइंड है. ब्रेक्स आर यू ओके इफ आई अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक्स? कोई दिक्कत नहीं है, खाली रोड होगा तो ही करूंगा, अदरवाइज आई वॉन्ट. बस आप सीट होल्ड कर लेना, ग्रैब जो भी है. मैं एक दिन लेकिन मिरर में देख के अच्छे से तो ही करूंगा, अगर मुझे मिला दिखा के तो ही, अदरवाइज आई वॉन्ट. हम लोगों ने ऑलमोस्ट सेम कपड़े पहने हैं. मरून एंड ब्लैक. यहाँ मैं यू टर्न ले लेता हूँ. साउंड कभी बस स्पोर्टी से फील नहीं होती हाँ, है ना? हाँ जी. इसमें तीन कलर थे सीट कवर. होल्ड करना भाई, एक बार सीट होल्ड कर लेना. 85 पे है बस. साउंड है लेकिन स्टेबल तो है गाड़ी. ये साउंड किस चीज का था? ये एबीएस का होता है, जैसे रोटर होता है ना, रोटर जो व्हील आपको दिखता होगा कई बार क्रोम चमकता है व्हील के अंदर, उसके दोनों तरफ डिस्क पैड होते हैं जो चिपके उसको रोकते हैं, तो वो एबीएस की वजह से पकड़ते हैं छोड़ते हैं तो उसकी आवाज होती है. और फिर थोड़ा बहुत टायर्स की भी साउंड होती है रोड पे अचानक रुकते हैं. मेरे को लगा था कोई डिफेक्ट है यार. नहीं 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 डिफेक्ट नहीं, सब गाड़ियां करती हैं. मैं एक बार यहाँ रोके का रियर स्पेस दिखाता हूँ, मैंने गाड़ी वैसे नहीं दिखाई है. इसका हजार बटन ठीक है, मिल गया. देखो अब ये जो सीट है ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, और इतना स्पेस तो मुझे कोई कुछ एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी उनमें भी नहीं मिलता है. वो अलग है भाई, वो थोड़ा बूट ज़्यादा दे देती है, लेकिन स्पेस तो है काफ़ी है, मेरे वाले से भी ज़्यादा इसमें स्पेस. पीछे छोटे से ही है, पीछे कुशनिंग वाले जो है हेडरी स्टैंड आपको मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं आते इस वेरिएंट में. और ये ऐसा, और रेयरेस्ट इवेंट्स कैसे हैं शैली? आपको पीछे ऐसे इवेंट्स, मान लो कोई पैसेंजर कभी बैठते तो परफॉर्मेंस कैसी है? इवेंट्स में यही इशू है कि आप वेंट क्लोज नहीं कर सकते हो, जैसे आप आगे वाले वेंट्स क्लोज okay. कर सकते हो, ठीक है. प्लस चार्जिंग पॉइंट दिया है और एक स्पेस दिया है फोन रखने के लिए, वो काफी मुझे एफिशिएंट लगता है. तो जैसे आप अभी एसी चलाओगे तो आप यहाँ से इसको ऑफ नहीं कर सकते. हाँ, नहीं कर तो ये हमेशा पूरी गाड़ी में आता रहेगा. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम सिर्फ दो लोग बैठे हैं तो सिर्फ सामने देता रहे, लेकिन ये पीछे भी, जो गाड़ी ठंडी हो रही है मानता हूँ, हाँ, लेकिन वो जो इसका फ्लो है आगे की बजाय थोड़ा पीछे भी बट के आ रहा है, ठीक है. हाँ ये एक कंसिडरेबल पॉइंट है कि इसको आप ऑफ नहीं, स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बट दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छी बात है. अच्छा व्हाट डू यू से अबाउट इट्स लुक्स? कहते थे और मेरा भी मानना है, पहले वाली जो i20 थी उसके लुक्स बेटर थे, रियर लुक्स खासकर. तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आई गेस मुझे लुक्स काफी अच्छा लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जेड टेल लैंप दिया हुआ है okay. वो काफी अच्छा लगता है. आगे एलईडी लाइट्स हैं, वो भी अच्छी है. डिजाइन इज गुड, थोड़ा वर्ना का आगे से लुक दिया है. हां बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है. तो दैट इज गुड. और कलर ऑप्शंस अच्छे थे. स्टारी नाइट वाज रियली गुड. तो ये कलर का नाम स्टारी नाइट है? नो, दिस इज टाइटन ग्रे. टाइटन ग्रे वुड बी लाइक ब्लैक. ओके, या अदरवाइज व्हाइट. आई डोंट लाइक लाइट कलर्स, तो मैं इस पे गई थी टाइटन ग्रे पे. ठीक है.
विल वाइंड अप द वीडियो विद द रिव्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ i20। सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि अल्ट्रा स्मूथ इसका इंजन है, NVH लेवल बहुत ही अच्छा है। आप गाड़ी 90-100 क्रॉस करोगे, यू वॉन्ट फील लाइक यू आर ऑन 100 क्रूजिंग एट 100। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, स्पेसियस है। और नेगेटिव एज सच ना शैली को लगा और ना मुझे लगता है, तो ज़्यादा नेगेटिव्स गाड़ी के हैं नहीं। ब्रेक्स मैंने टेस्ट कर लिए, इट्स अप टू यू नाउ। दूसरा, स्पेस काफ़ी अच्छा है। आप बूट कितना यूज़ करते हो? व्हाट डू यू थिंक, इट्स एनफ? इट्स एनफ, ठीक है। 311 लीटर्स का बूट स्पेस गाड़ी के अंदर है। नेगेटिव मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल कोई, लेकिन कोई तो होगा। आपको क्या लगता है, एनी नेगेटिव? मुझे तो नहीं है, तो आई डोंट थिंक। ठीक है, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी, स्पेसियस लगती है गाड़ी। अंदर बैठ के आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हैचबैक चला रहे हो? काफ़ी पंचे इधर उधर घुमा सकते हो। इंजन रिस्पांस बहुत ही बढ़िया, इसका जो पावर डिलीवरी का जो बैलेंस है ना, वो मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपको जैसे लगता होगा अंडर पावर्ड है, बट इंजन साइज के हिसाब से इट्स नॉट अंडर पावर्ड। राइट, यहाँ पे पता चलेगा आपको सस्पेंशन। हाँ, थोड़ा सा मुझे एक आगे से साउंड सुनाई दी थी, वो फिलहाल नहीं है। मैंने जैसे थोड़ा सा कम थ्रोटल के साथ गाड़ी उठाई तो वो आगे से साउंड आई थी। चलो थोड़ा सा वो देखता हूँ, ये एक साउंड किस चीज़ की है। ये आपके डिस्क की तो नहीं है, परफ्यूम की? हाँ, इसी की है, कम है। अरे उतार दिया। नीचे लगा हुआ है तो लग जाएगा, अभी भी आ रही है। नहीं, मुझे फील नहीं हो रही अपनी है। हाँ, इसी के अंदर है जो वो चीज़ बज रही है, इसी की थी। गाड़ी में दोष निकालती है फालतू में।